आज मैं आपकी खास मुलाकात करा रहा हूँ एक ऐसी जोड़ी से जो जुड़ी हुई है छोटे पर्दे से। एक रह चुके हैं टीवी के होस्ट जज और दूसरी है टीवी की ऐसी बेटी जिन्हें आपने बहुत अपने दिल से प्यार किया है, लेकिन अभी जोड़ी बन गई है बड़े पर्दे पर। मेरे साथ है जेनिफर विंगेट और कुणाल कोहली। भाई आप इन्हें जानते हैं, मेरे को इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी जोड़ी नजर आने वाली है इनकी डेब्यू फिल्म फिर से। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नतीजा है, कुछ बहुत अच्छे फैसले और कुछ बहुत खराब। ट्रेलर आप देख चुके हैं, तो ट्रेलर का रिएक्शन ऐसा ही था जब पहली बार लोगों ने आपको कॉल किया, ट्रेलर जब ऑनलाइन हुआ सडनली, यू नो, तो कैसा, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द ट्रेलर? मैं सुबह उठी एंड एज यूजुअल आई वोक अप लेट एंड आई, मतलब मेरा फोन, मुझे लग रहा था मेरे फोन को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, माय फोन जस्ट डिड नॉट स्टॉप रिंगिंग और इतना ओवरवेलमिंग रिएक्शन था एंड इट वाज जस्ट, मुझे कल रात को जाकर ना इट्स एक्चुअली संक इन, मैं बैठी हूँ दो मिनट के लिए, जस्ट सैट डाउन, आई एम लाइक ओके दिस फील्स रियली रियली नाइस। बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम पीपल इन द इंडस्ट्री, फ्रॉम माय फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, इट्स बीन रियली 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 एन अमेजिंग। जय खन्ना, काजल कपूर। आपको तो पहली बार हमने पर्दे पर, मतलब बतौर आपको थोड़ा एक नए लुक में देखा, तो आपके लिए तो रिएक्शन रियली मस्ट बी रियली बिजार। इट वाज स्ट्रेंज और मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि लोग ये नहीं बोले कि क्या कर रहा है यार, बट अच्छा लगा कि लोगों ने बोला कि देखो तुम ये जो बहुत अच्छे लग रहे हो, पेयर इज लुकिंग गुड, द फिल्म इज लुकिंग फ्रेश एंड इट्स लुकिंग लाइक अ नाइस रोमांटिक फिल्म जो बहुत दिनों बाद आ रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल लोग रोमांटिक फिल्में नहीं बना रहे, तो अच्छा है लोगों को रोमांस जो है फिल्म में वो बहुत अच्छा लग रहा है, फिल्म के गाने लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आई थिंक लंदन इज़ लुकिंग वेरी फ्रेश एंड न्यू। नहीं तो बहुत फिल्में लंदन में शूट होती हैं, लेकिन जहाँ हमने शूट किया है वो बहुत नए लोकेशंस पे थे, तो वो सब लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आई एम ग्लैड यू नो पीपल आर लाइकिंग अस इन द फिल्म। समवेयर टेलीविजन स्टार्स लॉन्चिंग देम, आई थिंक इट्स अ बिकॉज लॉट ऑफ टेलीविजन स्टार्स आर लाइक मेकिंग, सो इट्स लाइक टेकिंग अ रुकी न्यूकमर से अच्छा है कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश फेस लो, तो वो एक रीज़न था। एनी स्पेसिफिक रीज़न ऑफ हैविंग टेलीविजन स्टार्स लॉन्चिंग देम इन योर फिल्म? नॉट रियली, मतलब ये नहीं सोचा था कि भैया कंट्री का सबसे बड़ा स्टार शाहरुख खान है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम टेलीविजन, वो भी टेलीविजन से हैं एंड ही इज़ लाइक ओन्स द इंडस्ट्री, वो रीज़न नहीं था कि यू नो इट जस्ट आई मेट जेनिफर, मैं जेनिफर से मिला ऑफिस में, आई मैंने उनको उनके साथ स्टोरी डिस्कस की और जब मैं बातें कर रहा था उनके साथ आई कुड जस्ट सी काजल कपूर इन जेनिफर, यू नो एंड दैट वॉज इट, इट वॉज जस्ट दैट। और फिर मैं घर गया, मैंने बोला अरे यार मैंने सरस्वती चंद्र तो देखा ही नहीं है, उसकी कोई भी सीरियल नहीं देखी है एंड कोइंसिडेंटली आई पुट ऑन द टीवी एंड सरस्वती चंद्र चल रहा था, तो मैंने एक सीन देखा, बोला एक्टिंग तो बहुत अच्छी आती है बस तो आप रोई भी हैं जिस सरस्वती चंद्र आप इतना रोती थी, तो इस फिल्म में भी कितना रोई हैं और कितना हंसी है? हंसी बहुत हूँ, रोई नहीं हूँ, मतलब हाँ एक आधा सीन है, सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि मुझे रोना नहीं पड़ा, बहुत बहुत मस्ती की है। आई मीन आई हैड सच अ ग्रेट टाइम शूटिंग, क्योंकि हम एक तो पहली बात हम लंदन में शूट कर रहे थे एंड इट वाज क्रिसमस टाइम, सो इट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, द होल सिटी वाज डेकोरेटेड सो वेल एंड हमने शूट भी बहुत बहुत यू नो बहुत अच्छी जगहों पर किया, जैसे हमने विंटर वंडरलैंड में शूट किया है एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, सो इतना मज़ा आया शूट करते वक्त कि पता ही नहीं चला कि मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि अब रोने की बात कर रहे थे कि जब रोने का सीन था तब भी मुझे रोना नहीं आ रहा था, बट आई हैड such a great time shooting the whole unit and everybody it was just awesome aur wo डेढ़ mahina aise nikal gaya saath mein khade to rahe the hame kafi sare jo fans the reaction liya to twitter mein sabne ka bahut khoobsurat lag rahi hai to look aapka matlab kisne design kiya kunal ka kitna haath hai us pure look ko conceive karne mein kajal kapoor ka nahi nahi bilkul humne ek ek kapda I mean before we went on the floor I actually wore every costume and we had this panel of judges who were deciding and he was the main judge who was deciding ki kaun se kya acha lag raha hai aur ye costume ye scene mein jayega ya wo costume wo scene mein jayega. Style Cracker is the company who has styled me and styled the whole film and Prachiti jo hamari stylist hai she has done a fabulous job.
मुझे ऐसे ट्रेडिशनल अवतार में देखने के बाद टू सी मी इन दैट आउट यू नो इन दैट लुक, इट्स अ वेरी, और ऐसे कोई फोर्स्ड चेंज नहीं है. गाऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ दो लाइनें सुनाऊंगा एज शायरी, विच इज अ सॉन्ग, जो अभी सॉन्ग, जो अभी गाना प्रोमो में नहीं था, लेकिन जिसके बोल बहुत अच्छे हैं. बोल कुछ ऐसे जाते हैं, मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी. उम्मीद करते हैं कि ये नई जोड़ी आपको पसंद है, तो आप तैयार रहिए फिर से देखने के लिए जेनिफर और कुणाल को एक साथ. जाते जाते फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपका जो लंबा इंतज़ार था हमें देखने का, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दैट यू फॉर योर कॉन्स्टेंट लव, कॉन्स्टेंट सपोर्ट and constant appreciation and criticisms, that is also very very important, and I will forever, I am here today because of you guys, and thank you so so much. I think Jennifer ne sab keh diya, main sirf ye kahunga thank you so much. Aap logon ko trailer bahut acha laga aur music bhi acha lag raha hai, aur jab music release hoga aap dekhenge ki gaane kitne khoobsurat hain. So thank you.